गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ ऑफ गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे अच्छे होंगे। और आज बाय चांस मेरी गरम गरम चाय मेरे साथ जल्दी आ गई है। वैसे तो लेट आती है लेकिन आज जल्दी आ गई है। राइट जनाब, आप लोग बताइए कैसा है, हालात हैं? वैसे नई खबर यह है कि स्कूल्स और कॉलेजेस फिर से बंद हो रहे हैं, और जो कल खबरों में आया था कि 15 तारीख से 28 तक फिर से बिकॉज ऑफ कोरोना केसेस कम नहीं हो रहे हैं, लगातार वही 1-2 हज़ार की रेंज चल रही है। और हाल ही में नोटिस हुआ कि लाहौर और कुछ और एरियाज़ में, इस्लामाबाद और पिंडी और गुजरात और सियालकोट में केसेस एकदम से ऊपर गए हैं। इनफैक्ट परसों लाहौर में 800 केसेस पंजाब में सॉरी आए, तो फिर आई मीन दिस इज़ टू मच। सो वी हैव टू बी सेफ। प्लीज़ अगर बाहर निकलें तो मास्क का ख्याल ज़रूर रखिएगा, अपनी जान की भी हिफाज़त करें और आपके जो प्यारे हैं उनकी तो आपने हिफाजत करनी ही करनी है। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपने नोट किया होगा। एक तो वजह है मेरी नई नई ग्रीन शर्ट पत्तों वाली, नाइस, आई लव इट। सेकंड वजह ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं आज हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, और वो आज बहुत दिनों के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये दूरियाँ वैसे तो अच्छी बात नहीं होती, मैंने उनसे कहा है दोनों से ख़ास तौर पे कि वो दोनों हमारे ऐसे महारथी सिंगर्स हैं जो मैं आज ज्वाइन करूँ, क्योंकि इनफैक्ट आज का जो शो हमारा है वो मोस्टली आपको लगेगा म्यूज़िकल शो है, कि आज यहाँ काफ़ी सिंगर्स भी आने वाले हैं और मज़ा आने वाला है। आज जो मेरी पहली गेस्ट हैं, शी इज़ ड्रेस्ड इन ब्लैक टुडे और अमेजिंग लग रही हैं। मैंने इस लड़की को यहाँ से वहाँ जाते हुए देखा है, प्रोग्रेस करते अपनी हार्डवर्क से। लक ने भी साथ दिया और ये लड़की यूं सीढ़ियाँ फलांगती ऊपर चलती चली गई। इसमें उनकी बहुत सारी मेहनत है। ये आई थी 3-4 साल पहले, आई स्पॉटेड हर इन अ कॉन्सर्ट, आई टुक हर नंबर एंड देन आई थॉट कि इनको मेरे शो में आना चाहिए, और बाद में हमने कई शो साथ में किए, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है बिकॉज शी इज़ द बेस्ट। इस फेक दुनिया में बहुत कम लोग रियल होते हैं, और मेरी रियल लिस्ट में ये टॉप 10 में आराम से समा जाती हैं। सो आइए मिलवाते हैं, और मिलवाते हैं आपको पूरे शान मान द ब्यूटीफुल सिंगर ऑफ पाकिस्तान माही भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल। तो माही, आपने वाकई बहुत मेहनत की है। देखिए मैं आज जब देखता हूँ मेरा सर फखर से बुलंद हो जाता है आपको देख के। थैंक यू सो मच। आपकी स्टाइल्स, आपकी ड्रेसिंग इवन देखो माही, आज फर्स्ट टाइम वैसे मैंने किसी शो में फ्रॉक पहना, लेकिन आज आप क्लास लग रही हैं, वेरी नाइस। डिजाइनर कौन है इस ड्रेस का? मरियम मनाहल आई थिंक। ओके, लेकिन अमेजिंग ब्लैक। सो हाउ इज लाइफ? गुड है ना? वेरी गुड। और सर्दियां फाइनली गुड बाय कह चुकी हैं हमें, अब गर्मियां हमें हाई कह रही हैं। एग्जैक्टली, तो बस अब गर्मियों को हम वेलकम करेंगे माही की अमेजिंग प्रेजेंस के साथ। ठीक है माही, आज कितने गाने हैं यहाँ पर? मिनी कॉन्सर्ट तो होगा ना? आला, 3-4 तो लाजमी है, 4 लाजमी होंगे। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। हम एक और हमारे महारथी सिंगर ने ज्वाइन किया है, मेरे बहुत आला पाए के दोस्त हैं। और पता नहीं क्या ऐसी बात है इनमें माही कि मेरे ये बेस्टेस्ट फ्रेंड्स में आने लग गए अब। अच्छा, हाँ हुआ है ऐसे। अच्छा, अब नहीं देखिए पिछले 8-9 महीनों से मेरी इनसे काफी अच्छी दोस्ती हो गई है, बिकॉज ये लड़का भी ना बहुत रियल है आपकी तरह, और बहुत दिल से गाता है। सीखी हुई आवाज जहाँ भी होगी, ज्ञानी आवाज जहाँ भी होगी, फिर वो नजर आ जाती है। इतने सारे सिंगर्स आप बताए, हम डेली शो करते हैं, बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, लेकिन लाइव गाने की हिम्मत कम कम ही होती है। और आप भी माशाल्लाह से, और ये भी जो है महारथी हैं। अभी हाल ही में इनका मंदियां सुपरहिट ब्लॉकबस्टर बना और कमाल ट्रेंड ले गया, ट्रेंडिंग पे आया। सो क्या बात है हमारे शेरी खान की, जो हमेशा जब भी आते हैं, और आज तो वो ग्लासेस में आए हैं। ओह माय गॉड, ट्रेंडिंग पे है आज वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम अबोर्ड, और बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी ब्लैक, ये ब्लैक का क्या सीन है आजकल? ब्लैक इन है, ब्लैक माय फेवरेट कलर, सबका फेवरेट होता है अक्सरियत का, नॉर्मली इंटरनेशनल कलर भी है और फेवरेट भी है सबका। सो कैसी लग रही है मंदिया की पोस्ट सक्सेस? बहुत शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा फीडबैक है, और इवन आपने ही उसका लॉन्च किया था। एग्जैक्टली, मैंने बल्कि होस्टिंग की वहाँ पे, और वो बहुत आला गाना है, दिल से बहुत अच्छा फीडबैक है उसका। क्या लगता है आपको कि आपकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ी चीज क्या है इस वक्त? मेरे माँ बाप की दुआएं। आला, बिल्कुल, क्या बात है। और सर क्या रहा है ग्लासेस का? पिछली बार तो मेरे आगे ये था नहीं, आज मेरे आज आके बिल्कुल सामने आ रहा है ये आला। तो नाज़रीन अब हम जाएंगे टूवर्ड्स द टिकटॉक वर्ल्ड,
टिकटॉक सेंसेशंस हमारे शो में अक्सर आ जाते हैं और आप लोग बाबा मुझे कहते हैं कि उनको लाएं, इनको लाएं, इनको लाएं। सो हाल ही में हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे हमारे दोस्त से जो आला पाए के छा गए हैं। मेरे फॉर यू पे बहुत आ रहा है ये लड़का आजकल और कमाल काम कर रहा है और एकदम से अपनी रैविशिंग लुक से ये हार्ट थ्रॉब बन चुके हैं लड़कियों में और अब बहुत अच्छी टिकटॉक बनाते हैं, बहुत आला। सो आई जस्ट थॉट कि इनको शो में आना चाहिए। सो लेट्स वेलकम द अमेजिंग डूड टिकटॉक सेंसेशन अली हादी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और कैसी लाइफ जा रही है आफ्टर टिकटॉक पॉपुलैरिटी? अच्छा लग, लड़कियाँ तंग तो नहीं कर रही? नहीं कर रही, स्माइल भी अच्छी नहीं, स्माइल भी अच्छी है और उन्होंने अभी कहा कि नहीं अभी अभी, अभी नहीं, नहीं कर रही यानी कि आगे कर सकती अभी है नहीं। आगे के करेंगी फॉर श्योर करेंगी। देखो एक तो टिकटॉक की वीडियो आपने देखी है आपने अपनी, कितने क्लोजली बनाते हैं आप तो जब जाहिर आप इतने क्लोज बनाओगे लोग देखेंगे। मुझे एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि आप क्लोजअप भी बनाया करें, स्माइल अच्छी। मैं तो देख लिया था ना क्लोजअप बनाते हैं आप बहुत ज्यादा, लेकिन आला वीडियोस, नाइस वर्क। सो वेलकम ऑन द शो, मिलवाते हैं आपको एक और। आई एम सो सो हैप्पी नाजरीन कि आपने नोट किया कि मेरे पांच पांच गेस्ट आने लग गए अब, क्योंकि थिंग्स आर गेटिंग मोर बेटर नाउ, एग्जैक्टली इन अ गुड डायरेक्शन। सो अपने एक और दोस्त से मिलवाते हैं आपको, बहुत ही आला फोटोग्राफर है ये और फोटोग्राफी की दुनिया में एक शानदार नाम इन्होंने पैदा किया। मेरी भी काफ़ी दोस्ती पुरानी है, ही यूज टू वर्क विद अस एक्चुअली इन फोटोग्राफी, और क्या इनकी फोटोग्राफी होती थी और क्या कमाल होती थी, मज़ा आ रहा था। और अब तो इन्होंने अपना नाम बना लिया है उसमें, हाल ही में दुबई से वापस आए हैं, दुबई में काफ़ी काम करके आए हैं इंटरनेशनल वर्क। सो लेट्स वेलकम द अमेजिंग फोटोग्राफर अली सलीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सो अली आप भी ब्लैक में? मैंने तो बस ब्लैक ये पहनी थी, आपने पूरा ब्लैक कर लिया, जबरदस्त। सो कैसे हैं आप? सो क्या नई खबरें, लाइफ कैसी जा रही है? हाउ वाज दुबई? दुबई इज हॉट एज एवर, हब है वो तो। और कैसा बुर्ज खलीफा था? पूरा बुर्ज खलीफा की सेल्फियां जो होती हैं खड़े होकर बनाते हैं ऊपर, पूरा ही नहीं आता मेरी तो सेल्फी में, ऊपर खड़ा होता हूं मैं। हां लास्ट में बड़ा मसला मुझे हुआ था कि कहां जाके, यहां से नहीं आप बिलीव करें वहां मसला है थोड़ा सा कि आप किस जगह पे जाके सेल्फी लें, कहीं उनकी कार पार्क पे जगह है वहां से सही सेल्फी आ जाती है। सेल्फी तो बहुत है लेकिन आपको देखना भी ऐसी होता है। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम पिछली कार पार्क में जाओगे तो पूरा बुर्ज खलीफा तुम्हारी फोटोज में आ जाएगा। मैं वहां गया अगले दिन, कहाँ रहता है? एग्जैक्टली वहां से भी आ जाता है, बिल्कुल सही कह रहे थे। बदस्त हो गया। मिलवाते हैं आपको एक बहुत ही हसीन सी नाजनीन सी लड़की के साथ जिसने आते ही पिछले डेढ़ एक साल में अपनी मेहनत से अपना एक मकाम बना लिया है शोबिज वर्ल्ड में। मॉडलिंग करती हैं तो दिल धड़कना भूल जाते हैं, स्टाइल इनके पूरे हैं बहुत आला, एंड आई एम श्योर शी विल एक्सेल मोर एंड मोर, है ना। तो सना हाशमी जो है वो ये दावा करती हैं कि मैं हार्डवर्क और किस्मत दोनों के ब्लेंड से इंशाल्लाह मंजिलों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। और बहुत प्यारी सी आप तो, थैंक यू। छोटी सी, नाजुक सी, थैंक यू। कैसा लगता है इतना हसीन होना? बहुत अच्छा। ये सही बात है, देखिए आपको बहुत हसी आ रही है, जेजीनेस में ऐसे ही सवाल आते हैं प्लीज। तो मुझे आप बताइए कि कैसा गुजरा ये पिछला डेढ़ साल मेहनत के साथ? बहुत अच्छा, मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन ये कि जब इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है ना तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। नाइस, चलें वेलकम ऑन द शो। अब वक्त आ गया सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो चलते हैं माही की जानिब और उनसे पूछते हैं उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी माही, घर से डांट पड़ती है और आज भी पड़ती है और अभी भी मैं खा के आई हूँ घर से। क्यों? देखिए बताओ वो डांट प्यार वाली होती बहुत है बहुत ज्यादा, वो जो माँ, आई नो हर मदर शी इज टू गुड, और उस टाइम वो गुस्सा कर लेना, हाँ जी आप मुझे डांटती हैं बस, और घर पे वो तीन ही नजर आते मैं आती हूँ, ये बातें बहुत मजे की लगती हैं। मुझे बताइए वो क्या अच्छा बनाती हैं खाने में, पहले ये बताएं मुझे काम की बात। सब अच्छा बनाती हैं, लाइक कोरमा बिरयानी, निहारी टाइप। नाइस नाइस, कब ख्याल आया कि मैंने म्यूजिक में आना, किस साल? म्यूजिक में 2016, ठीक है चार साल हो गए, पाँच साल ऑलमोस्ट, और तब स्टार्ट किया था मैंने और आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल चलती रही, अभी तक स्ट्रगल ही हो रही है। मैंने आपको कहाँ स्पॉट किया था? एक कॉन्सर्ट में। जी बिल्कुल, ये कौन लड़की है ब्लैक जीन्स में? नंबर लिया और एक देखा जय, इसको आज भी याद है कि मैंने ब्लैक नहीं भूलती ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। And I just thought कि इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया कि the whole crowd was shouting with love and joy. It was so good. Flatties में. Exactly. It was an amazing event. और जैसी ने फिर नंबर लिया, फिर हमारी नंबर तो मैं फौरन लेता हूँ। देखिए मैं को मैनेजर टेक द नंबर, उस बार मैंने तो आपने खुद दगे में नंबर देंगे, खुद लिया था और फिर ऐसी स्ट्रगल आज भी जारी है।
और देखा लाहौर ही हूँ ना, जो जाड़े है मैंने जाड़े है कितने पहाड़ी हो रही है टाइप आप बोलिए, पहाड़ी हो रही है। कितने गाने आ चुके हैं आपके अब तक? मेरे अभी तक आ गए हैं, हो गए हैं 14-15 तो हो गए हैं। और दिल के पास कौन सा गाना है इन सब में से? मुंदरी, मुंदरी फेवरेट सॉन्ग, फिर सुनेंगे एंड पे आज। जी अली आप बताइए आपकी कहानी। जी मेरी कहानी इस तरह है कि मुझे शौक था एक्टिंग का बचपन। ओ लग रहा है मुझे। बस फिर घर में ये कहा कि मैंने एक्टिंग करनी है, तो सपोर्ट नहीं मिलती थी, कुछ कहते थे नहीं करना, कुछ कह रहे थे कर लें आप स्टार्ट कर लें। तो कज़न था मेरा, उसने मुझे सपोर्ट किया, तो लास्ट ईयर से मैंने स्टार्ट की है मॉडलिंग। तो अभी मेरा एक सॉन्ग भी आया है। हाँ मैंने देखा है, अच्छा लग रहा है वो। इन सॉन्ग में वीडियो वाजिद अली बख्तियारी साहब का, नाइस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट होती रहेगी। एंड हाउ इज द अदर थिंग गोइंग ऑन टिकटॉक? टिकटॉक तो साथ साथ लाइक जस्ट फन। आपको रिस्पॉन्स आने लग गया जी? उससे ये है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे उस पर मिलती हैं, तो स्टार्ट किया हुआ है इंशाल्लाह टिकटॉक पे भी। हाँ इंशाल्लाह फोकस किया हुआ है, फोकस तो किया हुआ नजर आ रहा है वो तो बिल्कुल। मुझे भी करवा दो। हाँ पता है मैंने से ये पूछते हैं कि ये फॉर यू का राज क्या है? फॉर यू पे पहले वीडियोस? हाँ नहीं पता होता क्या है, अक्सर लोग बेचारे बहुत लगाते हैं उनकी आती नहीं है। हाँ इस तरह होता है, मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि आपकी वीडियो फॉर यू पे कैसे चल रही है। उनका भाई मुझे नहीं पता, मैं खुद ही आ गई है। और कितनी? दिन में एक दो। ठीक हो गया, चलिए ग्रेट। जी आते हैं टूवर्ड्स द वॉइस शेरी खान। शेरी आपकी कहानी हम कई बार सुन चुके हैं वैसे आई नो, लेकिन मुझे बताओ कि हाउ वाज लास्ट ईयर फॉर यू एज अ म्यूजिशियन एज अ सिंगर? कैसा गुजरा लास्ट ईयर आपका? इट वाज अ फिनोमिनल ईयर फॉर यू। अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ज्यादा काम किया, थोड़ा टाइम मिल गया। वैसे तो हम कोविड नहीं था तो बिजी रहते थे शोज में, कॉन्सर्ट में, टूर्स में बिजी रहते थे। लास्ट ईयर ये हुआ कि थोड़ा टाइम मिला अपने पे फोकस करने का, अपने म्यूजिक पे, अपने म्यूजिक करियर पे फोकस प्रॉपर किया। तो फिर उसके बाद फिर एक आपके सामने एक बंदियां फिर उसमें बनाया। हाँ, म्यूजिक किया उसका, क्या जो के मतलब के हमने मरी में जाके शूट किया। नईम साहब ने, जो मेरे बड़े भाई हैं, exactly। नईम हसन साहब क्या लेजेंड है वो, और बन गए लेजेंड वो जानी रिकॉर्ड लेवल से आया, तो बड़ा अच्छा फीडबैक रहा है। अब इंशाल्लाह ये साल भी इस पे फोकस किया हुआ है। वैसे कैसा लगता है कि आपकी फैमिली में आरिफ लोहार साहब का नाम साथ जुड़ा हुआ है? हाँ। और आपकी फैमिली का वो हिस्सा है, वो सो हाउ इज दिस लेजेंड है वो? प्राउड है इस बात पे, तो बहुत प्राउड है कि तो हमारे कजन ब्रदर है सबसे बड़े, exactly, हमारे भाई है। और साथ में सपोर्ट भी उनका हर तरफ से है, उनके साथ इंटरनेशनल ट्रैवल भी बहुत करता हूँ मैं, और साथ में अपना म्यूजिक भी लेके चलता हूँ, और उनके साथ मतलब गाइडलाइन बहुत है, वो एक्सपीरियंस्ड सिंगर बहुत मतलब की बनाने। और हमने ये भी किया नोट लास्ट से कि आपने लाइव कॉन्सर्ट भी शुरू काफी कर दिया है। बिल्कुल, अब जा रहे हैं बकायदा लाइव शोज पे भी जा रहे हैं। हाउ इज दैट एक्सपीरियंस गोइंग ऑन? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब कि बचपन से ही लाइव कॉन्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा कर दिया, अब ज्यादा उस पर ज्यादा फोकस कर दिया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा बैंड, मेरा सैनिक स्टिक, मेरे बैंड का स्टाइल है कि हम थोड़े इसमें जितने भी वो जो अनप्लक्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वो हम यूज करते हैं, बहुत तो उसका फील एक बड़ी अच्छी रहती है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी कभी आपके साथ साथ करेंगे। हाँ होना चाहिए वैसे वो ना, बल्कि ईद शोज में कर सकते हैं, प्लान हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मजा आएगा उसका। वैसे अभी गवर्नमेंट ने कल जो अनाउंसमेंट्स किए उसमें कहा कि अब शादी हॉल्स फिर से बंद, और सेकंडली उन्होंने एक और चीज अनाउंस की थी कि रेस्टोरेंट्स की इंडोर भी सिटिंग अभी होने लगी थी 15 से, तो दोबारा बंद। वो सही कह रहे हैं, अलाउड नहीं कर सकते, इट्स टू मच। ठीक बात है, चलते हैं टुवर्ड्स अली। अली आप बताओ अपनी कहानी, अपनी जुबानी। आपके साथ काफी अच्छा टाइम गुजरा स्टार्टिंग में, बिल्कुल। तो आपके काफी शूट वगैरह किए, उसके बाद मुंबई में भी रहा हूं। मेरे बॉस थे इंडियन मोहम्मद फियाज, बड़ा अच्छा उनके साथ टाइम गुजरा है। अभी वापस आया हूं तो यहां पे भी इवेंट्स वगैरह और शूट वगैरह चल रहे हैं, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा जा रहा है। अभी तो काफ़ी बिजी है क्योंकि आगे ईद है, इस वजह से शादियां वगैरह। दुबई में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा लगा, और वहाँ के बाद तो बहुत डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्क है वहाँ पे, इस तरह नहीं है जैसे पाकिस्तान है। लेकिन अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान है, यहाँ पे आज़ादी है हमें, तो इस लिहाज से बहुत ही अच्छा है वैसे। बिल्कुल ठीक है जबरदस्त। जी आपकी क्या कहानी है? मुझे बचपन से मतलब शौक था टीवी में आने का, बिलबोर्ड्स पे मेरी पिक्स वगैरह। ये बड़ा होता है सब में कि बिलबोर्ड्स पे आना है, आपको भी होगा आई एम श्योर, ये शौक के सुबह उठे और बिलबोर्ड पे आपकी फोटो हो,
ये ख्वाब तो अच्छा है, फिर क्या किया आपने इसके लिए? बचपन से विश थी कि मेरा भी बिलबोर्ड हो और ये वो, तो फिर मामा की दुआओं से, मामा नहीं बल्कि फैमिली की दुआओं से, और उसके बाद लग के साथ ना फिर काफी फेम वगैरह मिला। कितना काम कर चुकी, कितने शूट्स हो गए? बहुत ज्यादा, काफी हो गए। तो बेस्ट फोटोग्राफर कौन रहा इनके अलावा? इनके अलावा असद मलिक ना। ओके, और डिजाइनर्स में कौन अच्छा? डिजाइनर्स में सभी अच्छे हैं। जबरदस्त, थैंक यू। मेरे ख्याल कि टाइम थोड़ा कम होता है हमेशा, और बाजू के इतने अच्छे गेस्ट बैठे हैं, फिर गाने भी सुनने हैं, तो पहली परफॉर्मेंस के लिए आपको दावत देते हैं कि आइए और छा जाइए लड़की महारथी होकर। आला आइए फिर। बहुत आला आपने गा दिया और मजा आ गया। इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड शेरीज परफॉर्मेंस फर्स्ट वन, क्यों ना गेम हो जाए ये, कि ये शो टिपिकल नहीं होता, ये बस गेम से भरा होता है, बैक टू बैक गेम्स खेलते हैं इसमें। ठीक है, गेम तो क्या है? दिस और दैट। आपको हम दो दो ऑप्शंस देंगे, आपने उनमें से एक ऑप्शन चूज करनी है। ठीक है, आपसे स्टार्ट करते हैं। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। ओके, फोन कॉल और टेक्स्ट? टेक्स्ट। ओके, टोस्ट या अंडे? टोस्ट के साथ अंडे। ये सही है, टोस्ट के अंडे साथ और टोस्ट दोनों चाहिए। आई लाइक इट। कार्डियो और वेट्स? कार्डियो बेहतर। कार्डियो बेहतर रहती है ना, सही बात है। फेसबुक और टिकटॉक? टिकटॉक। आला, आप है टिकटॉक के ऊपर जी, आपको फॉलो करेंगे हमारे आईडी पूछ के। आइसक्रीम कोन और स्नो कोन? आई थिंक आइसक्रीम ही होगी। आइसक्रीम। जबरदस्त। मोबाइल गेम्स या कंसोल गेम्स? कंसोल। आईओएस या एंड्रॉइड? iOS। ऑल वेरी वेल। आप हाई टेक हो या लो टेक हो? दोनों दोनों ऐसे हैं। चलो ठीक है, सही है। बिग पार्टी और स्मॉल गैदरिंग? बिग पार्टी। आला, नाइस। न्यू क्लोथ्स या न्यू फोन? न्यू फोन। उसकी खुशबू ही और है जब खुलता है ना, और जब आप प्लास्टिक उतारते हो फोन पे, यार वो वाला वो मजा होता है, लेकिन वहां पे निशान पड़ते हैं ना कभी कभी, फट जाते हैं। हालांकि मैं इतनी केयर करता हूँ अपने नए फोन से, लेकिन पता नहीं क्या मसला है, ये होता कुछ है इसमें। चले खैर, रिच फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड? लॉयल फ्रेंड। ओके, नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? नाइस होम इंटीरियर। ओके, स्नीकर्स और सैंडल्स? स्नीकर्स। ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स? ग्लासेस। ओके, अच्छा। ऑनलाइन शॉपिंग माही या शॉपिंग इन अ स्टोर? शॉपिंग इन अ स्टोर फॉर श्योर। शॉपिंग। पैसेंजर और ड्राइवर? पैसेंजर। नाइस। ओके, टैबलेट और कंप्यूटर? टैबलेट। ओके, कॉफी और टी? ऑलवेज है ना। ब्लाइंड्स और कर्टन? कर्टन। क्या बात है, ठीक है। मीट और वेजिटेबल्स? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स ना, हाँ वाकई हमें तो हमेशा कहा तुम्हें क्या लगा था है? नो नो नो, वेजिटेबल्स ज्यादा मजे का है वाकई, ठीक था सच्ची में वो मुझे पसंद नहीं है। अलिशबा या जन्नत? अब बोलो जन्नत। एक मिनट जन्नत। इतने खुशी से जन्नत, क्या बात है। सेव और स्पेंड? सेव और स्पेंड। 50-50। ओके, सब झूठ। ओह माय गॉड। टीवी और बुक? टीवी बेहतर। ओके, लास्ट आपके लिए, मूवी एट होम और मूवी इन थिएटर? मूवी इन थिएटर। या ऑलवेज, क्या बात है। वेल डन गाइस, बड़ा अच्छा गेम खेलिया आपने, और अब दावत देंगे हम मंदिया, मुझे सुनना है बिकॉज देखिए क्यों ना आपके यहाँ पहले इनसे कुछ लाइव सुन लें मंदिया, थोड़ा सा एक लाइन बड़ा। आप जब हमिंग कर रही थी बिफोर द मेन, मैं आप जैसा नहीं गा सकते, आपने बहुत बिफोर द मेन परफॉर्मेंस एक प्रिल्यूड। ओके, साहिब तेरी बंदिया मंदिया के चंगी। क्या बात है, इन्होंने भी बहुत अच्छा गाया। आइए फिर मैदान में छा जाइए, वी लव मंदिया। आज मजा आ रहा है, प्रोग्राम हवाओं में उड़ा है, हम आ रहे हैं जा रहे हैं, गाने पे गाना आएगा, मजा आएगा। और अब आ गया टाइम, मुहावरा टाइम आ गया गाइस। मैं बहुत बोर। और आज टीम ए मजबूत है, आप तीन लोग हैं साथ में, और आप दो हैं टीम बी में, तीसरा कहना है आपके साथ हेल्प करेंगे लगता है आपकी। सो मुहावरे दिखाएंगे आप लोगों को, आपने एक्टिंग करनी, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करना है, आपने गेस करना है। सो स्टार्ट करते हैं फिर, अब एक्टिंग किसने करनी आपको चूज कर लीजिएगा आप लोगों से, ठीक है। और ये जानवर के बारे में है,
आप करें, आप तो एक्टर है ना हमारे एक्टर। देखिए बकरे के बारे में है मुहावरा कि मुझे मुहावरा है बताएं, अब देख रहे ये क्या होती है बकरे की हाँ वो जी नहीं नहीं ये बच्चे को कहते हैं बच्चे और बच्चे को खिला कौन रही होती है बच्चा पहले कहा है ना बच्चे की माँ। हाँ अब बताएं बकरे की माँ बकरी हो सकता ना। हाय अल्लाह नहीं आ रहा बकरे की माँ। हाँ हाँ आप कुछ कह रही थी नहीं बकरे की माँ बस ओके हो गया चले ठीक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी चले ठीक है ये दुआ है ये दुआ है खैर नहीं है अब करो एक्टिंग आप करें आप करें चीज देरी इंतजार से बोला कुछ मुंह से आपने एक जानवर है बड़ा एलिफेंट नहीं चीटिंग नहीं ठीक है भैंस के आगे बीन पे जा रहा है सुपर से बहुत ऊपर है सब कुछ। आई एम सो हैप्पी विद फाइव गेस्ट ये करेगा मैं आप करें चलें आप करें आप करें एक मछली हाँ जी एक मछली सारे तरह आपको गंदा कर वेरी नाइस अद्धा तो क्यों बोल देते हो आप बैग मुझे मार नाइस एक्टिंग आप आगे जा रही हैं अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने ये मैंने किया था करें आप करें हम ये उसके बाद ये गिरा ओह यस नाइस 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 क्या बात है मैं थोड़ा आसान ढूंढना ना जितना मुश्किल है ढूंढ अपने द्वारा बोलना नहीं ऊंची आवाज में ठीक है ना अब बोलना नहीं ऊंची आवाज में अब हाँ ठीक है खान खान नहीं नहीं ये फल के बारे में एक अनार सौ पे मार एक अनार सौ पे मार बहुत ज्यादा ये बताएंगे ये करेंगे अब जानवर के बारे में एक आगे नहीं नहीं एक और कितने बन गए वो सौ हाँ कौन आया है आसान लास्ट इनकी हमारी एक्टिंग अच्छी है मैं बताती लास्ट मुहावरा है जी मैं तालियां ताली नहीं बजती लास्ट मुहावरा है ओके चले थोड़ा लंबा है जिस ताली में उसी पे चेक कर दे ओह वाह 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 सो टीम ए आप जीत गए बिकॉज पहला वाला आपका थोड़ा हुआ था हाँ तो टीम ए लेकिन अच्छी गेम खेली आपने और अब बारी है एक और मेगा परफॉर्मेंस की क्यों नहीं तो आ जाओ मैदान में माही बहुत आला जब पता नहीं जब होता है ना कि इतने अच्छे अच्छे गाने चल रहे हो तो टाइम यू भागता है नोट किया आप लोगों ने है ना सही बात है चलिए मुझे आप बताओ कि पाकिस्तान का म्यूजिक सिनेरियो इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है आर यू एंजॉयिंग दैट ट्रेंड बिल्कुल नए नए सीजन आ रहे हैं और बड़ा बड़ा डिफरेंट म्यूजिक सुनने को मिल रहा है और मतलब कि अच्छी बात है जितने भी नए सीजन आए बिल्कुल नया नया नए से नए गाने लेकिन आजकल एक ट्रेंड आ गया है कि जो हमारे जो है ना जो हमारे मॉडल्स हैं वो अक्सर हैं फ्रॉम टिकटॉक लड़कियां लड़के वहां से लिए जाते हैं exactly. और उनको फिर एज ए मॉडल लिया जाता है गाना जो आया हां जो गाना टिकटॉक पे हिट नहीं तो वो कहीं भी हिट नहीं वाकई ये ट्रेंड बड़ा आ गया है बहुत आया हुआ है इस तरह है कि टिकटॉक पे ये है कि कुछ लोग जिन्हें मॉडल्स की रिक्वायरमेंट होती है अब वो जैसे कि बता रहे हैं कि मॉडल्स घर बैठी हैं अब टिकटॉक पे तो उन्हें देखने को मिल रहा है कि मुझे जिस तरह की एक्टर चाहिए ये उस तरह की है ये उस तरह की एक्टिंग कर रही है उनको पसंद आता है वो कहते हैं मुझे यही एक्टिंग चाहिए थी ये मिल गई उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनको मॉडलिंग में लेके आते हैं अब हर कोई कर सकता है अब ये हमारा डायरेक्टर से बात उस दिन हो रही है कोई कॉल कर रहा है जी हमने फलां बंदी को उसमें लेना है चाहे जितने मर्जी पैसे हो जाए नॉट अ टॉपिक ऑफ पैसे पैसे का कोई टॉपिक नहीं आ रहा लेकिन पैसे कोई बात नहीं मेरा गाना हिट हो जाएगा नो
नेवर, उसी बंदी ने पहले भी सॉन्ग किया, उसको कोई हिट नहीं गया कि तुम्हारे साथ आगे अपनी लक है, अपना सब कुछ है, किसी पे भी मन नहीं है। एक टिकटॉकर्स नेवर, नेवर टिकटॉकर के, तुम लोग टिकटॉकरों को ही लोगे तो वो तुम लोग हिट हो गए। हम कभी डिनाई नहीं कर सकते टिकटॉक को, टिकटॉक ने नया टैलेंट बहुत देखे आगे आए, और जो मतलब के टैलेंटेड लोग हैं उनको वो, उनको मौका मिला है बाहर आने का, प्लेटफॉर्म से टिकटॉक तक है ना, बाहर ही तो आए हम, बिल्कुल बिल्कुल टिकटॉक तक है। और लेकिन फायदा और नुकसान ये है कि जो हमारे, हम जैसे सिंगर्स हैं जी, सब पीछे है। शेरी आप ना, हमें कोई फायदा नहीं है, ऐसे आपको लगता है वैसे हमें टॉपिक का हॉट नहीं देखे ना, ये हम लोग इस चीज के शेरी बाउंड हो गए अब आके कि टिकटॉक पे चलेगा तो हम हिट हैं, ये तो फैक्ट है। पहले टिकटॉक, मेरी बात सुनना, पहले तो टिकटॉक नहीं था ना, आज से 3-4 साल पहले, अब टिकटॉक के बाउंड है कि जी टिकटॉक पे चलेगा तो हमारा सॉन्ग हिट है, जी हम ये एटीट्यूड है। नो नेवर, क्यों टिकटॉक के बाउंड है? मैंने तो आज तक अपना किसी कोई सॉन्ग टिकटॉक पर नहीं दिया, अभी लेके आते हैं ना, इनसे बनवाते हैं। जो बात सी क्लियर है, इस बात को हमारी विश पूरी करते हैं, भी आपके सॉन्ग में आ जाएगा, इसको इनको लेने जैसे मॉडल अपने गाने में नेक्स्ट वीडियो में लग रहा है, जरूरी है। और फिलहाल शेरी की अगली परफॉर्मेंस, हमारा इंतजार खत्म होता है, तो आइए जनाब अब क्या सुना रहे हैं, सरप्राइज रखते हैं थोड़ा, आ जाए फिर। क्या बात है आज, बहुत अच्छा, दो दो गाने सुन के मजा आ गया कि पहले ही घंटे में 4 गानों की डोज मिली है, और अमेजिंग डोज थी है ना। और अब बारी आ गई है हमारे टिकटॉक सेगमेंट की, दो टिकटॉकर्स बैठे हैं यहाँ पे, बारी बारी पहले आपसे कर लेते हैं फिर आपसे आते हैं, ये पहले आप पे कर लें फिर उनसे कह रहे थे, ठीक है। सो गाना अब सरप्राइज है इनके लिए, वी हैव नॉट टोल्ड देम कि कौन सा गाना है, सो आइए फिर तैयार है आप, शेरी अपना कैमरा संभालिए, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सॉन्ग फॉर अली हादी, हियर वी गो। चले अब हम यही गाना देते हैं आपको, रेडी आप, अब इम्मी आप अपने टोस्ट पे आ जाइए, रेडी हियर वी गो। क्या बात है, क्या बात है, ये है हमारे टिकटॉक सेंसेशंस, जो थक कहा और बगैर किसी प्लान के कहा तो फिर भी वो एक्टिंग कर लेते हैं, क्या बात है। वक्त आ गया जनाब कुछ पहेलियों का, बगैर पहले छोड़ते, सॉरी, ट्रू एंड फॉल्स करते हैं आप लोगों के साथ, हम कुछ अब पूछेंगे लाइंस आपसे, कुछ आसान हो कुछ मुश्किल भी हो सकती है, कंफ्यूज करेंगे हम आपको। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, शीप कैन फ्लाई, सोच के जवाब देना क्योंकि फैक्ट्स बड़े हाई फाई किस्म के होते हैं कुछ, ट्रू या फॉल्स? ट्रू था, कुछ शीप है जो फ्लाई कर जाती हैं। इंग्लैंड में पॉइजनस स्नेक्स पाए जाते हैं, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ओ माय गॉड, आला, आप पे आते हैं। कुछ ऐसा, डॉग्स हैव 4 लेग्स, आप मानेंगे यहाँ लोग इसको गलत कर चुके हैं आके, अच्छा, वो कहते हैं कि इतनी मुश्किल सवाल में ये आसान सवाल क्यों पूछ रहे हैं उनसे, अच्छा, आप राइट थी, यू आर राइट। The Queen of England is called Elizabeth. True. Oh my God, yes, wow, true. Wow. Hai. Wow. Spaghetti's दरख्तों पे उगते हैं. Never. Never. False. Yeah, right. False, false, false. आगे चलते हैं. सुने. The King of Scotland. थोड़ा मुश्किल आ गया दोबारा आपके. नहीं, हर दफा मेरे से. नहीं, मुश्किल नहीं. चलिए एक आसान कर लेते हैं. आसान कर लेते हैं. A Big Mac is a large raincoat. बिग मैक एक बड़े से रेन कोट का नाम है, आपको बता रहे उनसे पूछा जा रहा है, फॉल्स, बिग मैक तो बर्गर होता है, बर्गर होता है, बहुत आला। कनाडा इज ऑन द इक्वेटर, फॉल्स और ट्रू? ट्रू, फॉल्स, या फॉल्स, इन्होंने सेकंड टाइम में सही कर लिया, नो वरीज। अ डजन मींस 12, ट्रू, या बिल्कुल सही है। अच्छा दो अब रह गए हमारे पास, फिश लिव इन वॉटर, Yeah, sure. Oh my God. Yeah, sure. मेरे से क्यों नहीं है वाला पूजा? मैंने बोला था आपसे पहले, dogs have 4 legs, भूल गई। अच्छा जी, अब आखिरी जरा मुश्किल सवाल कर लेते हैं, क्या करूं मैं,
चलने मैं क्या पूछ समझ नहीं आया राजेश मैं क्या पूछूं। एक और ये सवाल करते हैं, द बीटल्स वर अमेरिकन? श्योर फॉल्स और ट्रू? फॉल्स फॉल्स सही कहा था पहले, अमेरिकन नहीं है, अमेरिकन नहीं थे, यूके में से थे। सो वेल डन वेल डन। तो आप यहाँ पर आज का पहला चंक बहुत मजे का हुआ खत्म करते हैं और वापस आएंगे अगली ब्रेक के बाद। नाज़रीन डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स DREJAZWARIS, फेसबुक ट्विटर टिकटॉक इंस्टा, जहां जहां हम हैं वहां आइए। एंड डोंट फॉरगेट अवर अवर व्हाट्सएप नंबर, जहां कोई भी दिल की बात आप मेरे फोन पे कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज ऑन विद मी राइट हियर, कोई बात कहनी है आप मैं भी अभी कह सकते हैं मुझसे, हम आपका नाम लेंगे। ठीक है, मिलते हैं छोटी सी जैसी ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस, गुड मॉर्निंग कोहिनूर का अगला चंक, खुश आमदेद कहते हैं जैजी के साथ। डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स एज यूजुअल, आप देख रहे हैं कोहिनूर टीवी, मैं आपका अपना जैजी और हमारे वही गेस्ट हमारे साथ रहेंगे अभी कुछ देर और। अभी तो गाने हमने और सुनने हैं ना आप लोगों से, क्या कहते हैं आप? और मजा हमको आ रहा है शो का आज का, बहुत मजा आ रहा है, बहुत आप लोगों से कुछ लाइव सुन लेते हैं। लाइव करते हैं कुछ, आप कुछ लाइव बताइए क्या सुनाएंगे हमें। सब तक हम पूछते हैं जरा अली से कि अली आपके फेवरेट फोटोग्राफर्स कौन कौन से हैं? गुडशानी, ओह यार, नाइस, बहुत अच्छा काम है। खावरियाज हो गया, यस, बहुत अच्छे खावरियाज हो गए यानी कि। आप बताएं आपकी फेवरेट चॉइसेस कौन सी हैं मेल फीमेल मॉडल्स में? फीमेल में रेचल खान, नाइस, और जो कि अब छोड़ चुकी हैं शोबिज को, पता ना आपको, शादी कर ली, छोड़ दिया, वापस आ रही हैं। आई एम हैप्पी, आई वांट रेचल बैक ऑन द शो, आई लव इट, शी इज टू हॉट, I mean she's too gorgeous. Please, I am. Males और मेल में मोहम्मद, मोहम्मद अब जा चुके हैं पता आपको, छोड़ छाड़ के सब, he has shifted to UK. नहीं अभी अभी कल की खबर है कि मोहम्मद ने अनाउंस किया है कि move to UK and left acting and modeling. Okay, no worries. जनाब live. मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अदा बदा मालूम नहीं, को करीना को करीना को करीना को करीना, फूल सी गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन के देती है जिसमें मेरा, मैं कह दूंगा दिल भर मैंने तुमको पहले भी देखा कहीं। क्या बात है, और दावा देंगे हम माही फिर से आपको, क्या पाइए और छा जाइए स्टेज पे, व्हाट अ परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच माही, आप तो छाई हुई हैं। अच्छा है जैजी का शो जो है, जैजी के शो में माही ना छाया सा तो हो ही, क्या बात है, जैजी बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है। अच्छा मजा बहुत आ रहा है, लेकिन एक सेगमेंट और आ गया है, तीन का तड़का, तीन का तड़का, आस्क फ्रॉम यू एवरीवन बारी बारी। अब आपसे स्टार्ट करते हैं, थ्री थिंग्स दैट मेक योर हॉलीडे अ ग्रेट वन, कौन सी तीन चीजें हैं जो आप करते हैं हॉलीडे पे? मेलोडियस म्यूजिक, हाँ, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, आला माही आप पे आते हैं, थ्री थिंग्स यू लव अबाउट योरसेल्फ, बहुत सी हैं रियली, अब आप लोग ये मत कहिएगा खाती बहुत है, इसमें भी आप लोग खाना डाल दोगे, ये तो पहले डालेंगे ना, ये मीट पे बहुत खुश हुए थे इसने कहा क्यों नहीं। तो बताइए फिर, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग या म्यूजिक, सैड म्यूजिक, आला नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन, जबरदस्त हो गया। Three TikTokers, you love following them, girls. girls? इसके भाई आप लोग girls भी चाहे तो क्यों फंसाते हो girls? नहीं मैं पूछ रहे हैं। जन्नत मिर्ज़ा, अलाफ़ा, आगे कमल आफ्ताब, या तीनों ही millions वाली होंगी, और तीसरी और हैं एक उनका नाम रोमैसा तो नहीं कहीं? हाँ जी वो रोमैसा, उनकी acting, yeah acting she's so good. Three things you love doing in summers. एसी में रहना। नहीं नहीं नहीं, हाँ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग और नंबर टू और ज़्यादातर
डाल रहे थे सब कुछ थ्री थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी शॉपिंग और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना उसके अलावा फिर से शॉपिंग क्यों इतना ज़्यादा शॉपिंग ज़्यादा पसंद है हाला अच्छा बताओ आपके प्लान्स क्या हैं अब क्या करना है आगे लाइफ में अभी फिलहाल तो मॉडलिंग की तो इंशाल्लाह एक्टिंग में आना है एक्टिंग में भी हूँ साथ साथ एक्टिंग भी कर रही हूँ मॉडलिंग भी कर रही हूँ आपके प्लान्स क्या है ली आगे प्लान है दोबारा दुबई जाने का रियली फिर से फ्लाइट कोरोना की वेव्स है ना ये कजाब यहाँ पे थोड़ी सी फिर भी आजादी है मैं नो बुर्ज खलीफा गाने तो बहुत है माही गाने वाले हम बन जाएं बस इन गानों को काश कभी चले तो दुबई दोबारा जाएंगे बुर्ज खलीफा के पास जाओगे उसके पास ही रहता है आई नो मजाक कर रहा हूँ डोंट वरी सब उनके पास ही है वो एक ऐसी कहीं से भी नजर आ जाता है I know. आप दुबई में किसी से पूछे भी ना तो आप कहाँ पे हैं बस बुर्ज खलीफा के पास ही हैं क्या बात है बेशक वो 50 किलोमीटर दूर हो अच्छा आप मुझे बताएं शहरी क्या प्लान्स हैं आप इस साल क्या करना है इस साल इंशाल्लाह एक और वीडियो आ रहा है दो तीन मार्च रियली तो बड़ा अच्छे लेवल पे उसमें कौन मॉडल है उसमें वो डिसाइड करेंगे अभी डिसाइड अभी गाना कैसा है वो गाना बहुत अच्छा मेलोडियस सॉन्ग है मंदिया से थोड़ा डिफरेंट है ठीक है लेकिन वो अच्छा गाना और आपके मेरे अब मॉडलिंग भी हो रही है एक्टिंग भी करनी है अभी चार पांच ऐसे मॉडल ऐसे मॉडल ओके नाइस अभी आओगे आप भाई अभी तो आपने आगाज किया अभी तो बहुत अभी स्टार्ट हुआ है गो बैक थैंक यू फॉर कमिंग अच्छा आप बताएं क्या प्लान्स हैं अब आपके प्लान्स मेरे यही हैं कि मेरे टू सॉन्ग्स रिलीज हो रहे हैं आफ्टर 3 वीक्स रियली या लेकिन रमजान से पहले आएंगे ना या रमजान से पहले और कवर है एक मैं चाह रही हूँ रमज़ान के बाद ईद पर रिलीज़ करूँगी क्योंकि एक कवर है जो पहले रिलीज़ कर दूँगी और एक जो सॉन्ग है वो मेरा ऑफिशियल सॉन्ग है ज़बरदस्त सॉन्ग है बिल्कुल ठीक है बहुत बहुत थैंक्स करेंगे आप हम सब आप सबका आने का क्योंकि आप लोगों ने आके वाके चार चल गए होपफुली आपने शो एंजॉय भी किया होगा क्योंकि गाने बहुत मजा के मुझे लगे हैं आई एम जस्ट इन लव विद दीज ऑल सॉन्ग्स एंड ऑल थिंग्स शहरी कोई पैगाम दोगे जल्दी से पैगाम यही है कि बस जितना हो सके सेफ रहें स्टे सेफ मास्क लगा के फिरें और दुआ करें कोरोना जल्दी खत्म हो जाए कब इट्स आमीन पैगाम कैमरे में देख के आंखों में आंखें डाल के टिकटॉक पे मुझे फॉलो करें और मुझे सपोर्ट करें इंशाल्लाह आगे फिर काफी वर्क कर रहा हूं हां आपकी आईडी क्या है लोगों का आईडी क्या है राणा अली हाथी मेरी आईडी है टिकटॉक पे अली में डबल ई है कि ए एल डबल ई है जी मैं ये कह रहा था डबल ई अब बता दो क्योंकि वैसे तो लोग ए एल आई पकड़ेंगे ना चले जबरदस्त है कोई पैगाम पैगाम सिर्फ यही है कि आप इस तरह ही हमें सामने फोन आ रहा था आई नो मजाक करता रहता हूं डोंट माइंड दिस थिंग पैगाम यही है कि आप दोबारा बुलाएं अपना प्यार इंशाल्लाह इंशाल्लाह आते रहेंगे अपना शो है और थैंक यू बाकी थैंक यू सो मच वो आई वो छाई दुआओं में एक तो याद रखें उसके अलावा टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर आपकी आईडी क्या है सना हाशमी 59 तो हमें और चार गेस्ट ज्वाइन करेंगे आज यहाँ पर एक फन राइड चल रही है मजेदार सी मॉर्निंग शो जहाँ मजेदार वाइब्स हैं तो आइए जनाब फिर अब परफॉर्मेंस हो जाए आइए आ गए हम वापस गुड मॉर्निंग कोहिनूर की अगली चंक स्टार्ट हो चुकी है और वी आर बैक डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स जो हमेशा आपका इंतजार करते हैं आपके फीडबैक्स का मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है रेडियो पे और यहाँ देखता है राइट अभी जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं दे आर इन वन वर्ड ब्रिलियंट बहुत आला है हस्बैंड वाइफ डियो क्या बात है और अब इनका जो नाम है इनके बैंड कह लें जो भी कह लें नाम बहुत मजे का है व्हेन आई हर्ड द नेम आई थॉट इट्स रियली एक्सक्लूसिव एंड स्पेशल लकीर के फकीर ओ माय गॉड व्हेन आई जस्ट हर्ड इट आई थॉट ये कौन है दोनों जो लकीर के फकीर है माही मैंने सोचा कि ये क्या है डिफरेंट सो बहुत डिफरेंट बहुत ही आला पाए का म्यूजिक करते हैं और कमाल कर देते हैं
मरियम और शम्स दो ऐसे ही नाम हैं जो भी म्यूजिक प्ले करते हैं फौरन दिल में ठा करके लगता है। आइए वेलकम करें पाकिस्तान लकीर के फकीर के द अमेजिंग डियो हस्बैंड वाइफ मरियम एंड शम्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? जैजी इज बेस्ट, जैजी में जो अपनायत है वो किसी और। कैसे हैं आप लोग? और अमेजिंग अवतार, मैं तो इम्प्रेस हो गया हूँ आप लोगों से। आपका ये आई लव इट चूचू वन, ये कोविड था, जब से कोविड की रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हुई थी उस वक्त से स्टार्ट किया। ओह माय गॉड, ये पिछले लॉकडाउन में आई थिंक। हां, लॉकडाउन में स्टार्ट, द फर्स्ट वेव। या बहुत तारीफें सुनी है मैंने आप लोगों की। अच्छा, एंड यू आर डूइंग अमेजिंग। मुझे लगता है कि आइंदा कुछ अच्छा हम करने वाले हैं, मुझे शक पड़ रहा है कुछ। चलें इंशाल्लाह ऑफ एयर करते हैं डिस्कशन, बट अगेन लाइकवाइज आपका भी छोटा मोटा जो कंटेंट हमने फिर जाके देखा, आला। तो व्हाट इज सो लवली इज के लोग आपसे इतने ज्यादा, इतना वो एक होता है ना, देयर इज ओनली पॉजिटिव कमेंट्स, वो बड़ा इस फील्ड में बहुत मुश्किल है। वेलकम ऑन द शो, थैंक यू। और आज बहुत मजा आने वाला। आपको दो यंग म्यूजिशियन से, मैंने हाल ही में इनका एक गिटार पे मैंने कुछ सुना इनका, आई थॉट कि क्या लड़के हैं ये, क्या कर रहे हैं। दीवानगी का ओएसटी ये प्ले कर रहे थे गिटार्स के ऊपर, दीवानगी का, आई लव द ओएसटी ऑफ दैट प्ले, और बहुत ही मजे का है वो। दीज यंग म्यूजिशियन दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। एसटी एकूस्टिक्स के नाम से इनका ये बैंड है और गिटारिंग करते हैं ये फेमस ट्यून्स पे अपने डिफरेंट जगहों पे। और तलहा और उसामा एजाज ने हमें ज्वाइन किया है, उन दोनों को वेलकम करेंगे विद देयर अमेजिंग वर्क। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं, और बड़ा अमेजिंग काम कर रहे हैं आप लोग। मज़ा आया कि कुछ डिफरेंट हो रहा है ना। आपने डिफरेंट किया, देखो आजकल जो डिफरेंट होगा वही चलता है, ये रूल बात है। वेलकम ऑन द शो। सो चलते हैं टूवर्ड्स लकीर के फकीर। कौन स्टार्ट करेगा? सेगमेंट है हमारा मेरी कहानी मेरी जुबानी। सो बताइए सब कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आए लकीर के फकीर? लकीर के फकीर, मैं आई एम एन एक्स बल्कि रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर। वाओ। एंड आई सर्वड इन द पाकिस्तान एयरफोर्स, मैंने 21 साल अल्हम्दुलिल्लाह जो है सर्व किया। उस दौरान थ्रू आउट जो था मैं, म्यूजिक वाज ऑलवेज अ पैशन, म्यूजिक एंड आर्ट्स, ड्राइंग आर्ट्स होती है। हाँ, ड्राइंग आर्ट्स एंड म्यूजिक, तो हर वक्त गिटार साथ होता था। और मरियम भी, दोनों हम आर्मी फैमिली से, दोनों के वालदैन भी आर्मी में थे, तो मरियम भी बचपन से हम फंक्शंस में, दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बहन भाई की तरह बिल्कुल। आला। लेकिन ये मजे की बातें लग रही। लेकिन हाँ, हम लोग की शक्लें मिलना शुरू ये होता है वैसे। अबाउट 2015 में मरियम ने मुझे कहा कि क्यों ना एक्सपेरिमेंट करके देखें, गाना रिकॉर्ड करके देखते हैं, कोई स्टूडियो चेक करते हैं, एंड लेट्स रिकॉर्ड अ सॉन्ग, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। In fact, Shams उस वक्त एयरफोर्स में ही थे, तो हमने उसको ऑफिशियली भी नहीं रिलीज किया, सो वी जस्ट काइंड ऑफ पुट इट ऑन यूट्यूब, और फिर वो लोगों ने थोड़ी इनकरेजमेंट दी, तो उसके बाद लगा कि अच्छा चलो, उस वक्त एक नाम बस ऐसे ही सोच लिया कि क्या रखना है। नहीं, बहुत डिफरेंट है वो जब हमारे। अच्छा, आई एम सो ग्लैड आपने ये बोला कि आपको नाम अट्रैक्ट किया, बिकॉज हमसे लोग ये भी पूछते ये कैसा नाम है। आप लोग बड़े डिफरेंट से लगते हैं, लेकिन आप लोग बड़े लकी है कि फकीर, फिर हम उनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, बिकॉज द वही उसकी जो उसका जो मजा है वो ही उसके वो नुएंस में ही मजा है कि अगर आपको समझ आ गई है कि ये नाम किसने दिया था ऑप्शन में कि ये नाम। असल में हमारा जो पहल गाना हमारा एक जब हम प्रोड्यूस करके उसको निकालने लगे थे, तो किसी ने पूछा बैंड का क्या नाम है। वैसे तो हम हमेशा से मरियम और शम्स थे। हाँ। तो वो जो गाना था उसके अंदर लकीर के फकीर का जिक्र है, हकीर फकीर कसीर। हाँ। तो मैंने कहा कि भाई हाँ। अभी आपको गाना सुनाएंगे। आपने नहीं कहा था, मैंने कहा था। थोड़ा सा ले लेता हूँ, लेकिन लेकिन सुपर, लेकिन अल्टीमेटली वी स्टक विद द नेम, बिकॉज हमें एहसास हुआ कि लकीर के फकीर इज एनीथिंग बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू बी, एनीथिंग बट, वो तो है, कुछ भी बनना है मगर लकीर के फकीर नहीं बनना। हाँ, तो उस चीज को याद रखने के लिए हमने अपने ऊपर एक तरह से लकीर के फकीर लिख लिया। मैं आपको इजाज़त दूँ, जरूर जरूर, ठीक है, बिकॉज़ आई रियली लाइक योर नेम। जरूर 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 इजाज़, हम आई थिंक अपने आप को ना, हम लोग सब लोग तो हम दूसरों को तो देखने के, लेकिन नहीं, आई थिंक बहुत सीरियसली लेने लगते हैं हम अपने नैरेटिव को जो हम कर रहे हैं, तो एक तरह का इसमें एक ह्यूमर भी है।
कि अपने ऊपर ही एक मजाक है, अगर वो किसी को समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो फिर देन यू नो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जबरदस्त हो गया। तो आपका जो म्यूजिक है बेसिकली हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एक तो ये कि वी नेवर ट्राइड कि किसी से डिफरेंट है या नहीं है, हमारी इंस्पिरेशंस बड़ी इंटरेस्टिंग रही हैं, फ्रॉम नैयरा नूर टू, क्योंकि हमारे दोनों सेट्स ऑफ पेरेंट्स जो हैं वो बहुत म्यूजिकल फैमिलीज से हम ताल्लुक रखते हैं, हर वक्त वो गाड़ी में बैठ के ना एक कैसेट लगना, और हम लोगों की बिकॉज ऑफ आर पोस्टिंग्स और हमारी जिस तरह की जगहों पे वो हम रहते थे तो गाड़ी में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती थी, तो गाड़ी में बहुत ज्यादा कैसेट हमेशा एक आपके ना कॉन्स्टेंट लिसनिंग थी, तो नाज़िया ज़ुहेब ये तो खैर लेटर है, लेकिन मोहम्मद अली शेख़ी आलमगीर फिर दूसरी साइड पे वेस्टर्न पे चले जाते हैं, बिल्कुल इस तरह के, फिर नूरजहां एंड फिर इंग्लिश उस साइड पे चले जाए तो हैवी मेटल टाइप सामान भी, जो कि इवेंचुअली हमें कहते हैं पता नहीं क्या क्या, इसलिए जब हमारे पास कोई गाना हमारा अपना होता है तो हम उसको तो खैर शाम सभी। और अब बल्कि से पहले क्या आगे बात हो, अब हमारी इंस्पिरेशन क्या है, हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं, हमारा बड़ा जो सबसे ही क्या सुन रहा है, अब वो 18 साल का है और वो के पॉप वगैरह सुनता है, लेकिन अब तो वो दैट इज अ होल न्यू थिंग, वेर हमें बड़ा वो अजीब सा लगता है, और फिर हम सोचते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमें दादा नाना की नहीं समझ में आती थी कि क्लासिकल मौसीकी क्यों सुनते हैं। Exactly. आज हमें, लेकिन आज हम बच्चों को वही नॉलेज से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको म्यूजिक क्यों अच्छा लगता है, और जब आप उसको थोड़ा गौर से सुनो तो आपको समझ में आ जाती है इनको क्या बात है, क्या उसमें। लेकिन म्यूजिक की जो एक सबसे खूबसूरत चीज है वो ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट, इवन जिसको हम कहेंगे बैड म्यूजिक, जो कि दूसरे को वो भी एक थोड़ा सा कोई एक एक कोई क्या कहेंगे जुस्तुजू या एक रेवोल्यूशन या एक कोई हलच, यू नो ये दोनों भी यू नो देर नॉडिंग अवे, लेकिन कोई चीज स्टार्ट हो जाती है, ऐसी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है जो कि अगर हम आम अल्फाज में कर रहे हो तो शायद बहुत एग्रेसिव लगे। कितने बड़े बड़े रॉक सॉन्ग्स हैं जो कि अब हम सोचते हैं कि इनका मतलब कितनी ये कितनी बड़ी बात कर गए, और वो फिर जब आप उनकी जाके तशरीह करते हैं या आप गूगल पे जाके, मेरे ख्याल में मकसद यही बिल्कुल, और इसलिए हमारा म्यूजिक डिफरेंट जो आपने बात हमसे पूछे थे वो इसलिए कि हम आजकल की, मैं उसे कहूंगा जो जनरल ट्रेंड चला हुआ है, प्यार मोहब्बत फंस गए, जब उसके ऊपर गाना है नाराज होगी तो उसके ऊपर एक और गाना, तो ये गाना लिखता ही नहीं ना मेरे पे, और कुछ ना हुआ तो उसके ऊपर भी गाना है लेकिन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, जैसे अब जो इसकी बात कर रहे हैं हम, लकीर फकीर जिस गाने से निकला था, उस गाने का नाम है मिठू धोंदा, और वो गाना है दानिश्वराना बददियानती पे, और जैसे अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के, इसी तरह हमारा अब हम गाना थोड़े अरसे में निकलने वाले हैं। Do you want us to sing? Yeah, please, please. Right now? सुनाइए, सुनाइए। हम जाते हैं towards boys also. हमने sorry hijack कर दिया। नहीं नहीं please. हम दोनों teachers हैं। अब तो के बात नहीं है। इसलिए you'll have to get a word in, okay? चलिए। जद्दो मैनू बच्चेगी कोई मैनू कच्चेगी मैं अब्बे नू बुलावांगा ओ अनोनू दस्या के ओ ठेकेदार पुल्ले सरात दा जद्दो मैनू बच्चेगी कोई मैनू कच्चेगी मैं अब्बे नू बुलावांगा ओ अनोनू दस्या के ओ ठेकेदार पुल्ले सरात मिठू दोंगा एना रोंगा अम्मा अब्बा भैन परावा की पे होंगे ने ओनु रोटी थोड़ी पोटी जो भी मिलना भी मिलते सो जांदे ने अल्लाह चुकेगा जे मेरा पुछेगा मैं नच के रखावांगा ओई ये ठेकेदार वड्डा परवरदिगार कुल कायनात दा कसीर हकीर लकीर फकीर हकीर कसीर हकीर कसीर लकीर फकीर। क्या बात है, इट वॉज जस्ट सो डिफरेंट एंड इट वॉज फैंटास्टिक। थैंक यू। मैं तो
कहीं और चला गया था, बिलीव करें। आई जस्ट मेड द वीडियो फॉर माय स्टेटसेस, ये बहुत जरूरी थी। हम जाके जरूर लाइक हम आपको जरूर टैग करेंगे। अच्छा बाय द वे दिस वाज आल्सो फीचर्ड इन चुड़ैल्स। हां ओह या 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 आई सॉ दैट इट वाज था। या जी जी उन्होंने उसको बहुत अच्छे उसके एपिसोड 6 के 50वें मिनट के ऊपर आप जाएंगे। ओके हम जरूर दोबारा देखेंगे। बस स्टॉप के ऊपर वही गाना जो है बस स्टॉप सुनूंगा इसको। बहुत आला बहुत आला। वॉज आपकी बारी आ चुकी है तो कौन बता रहा है अपनी कहानी आपके इस बैंड की? जिस मर्जी आप बताइए। बेसिकली बैंड ये था कि पहले स्टडी थी, ठीक है, ये पंजाब कॉलेज, वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली कि आपने वेलकम पार्टी में परफॉर्म करना। तो उस टाइम इतना शौक नहीं था सिंगिंग का, तो उसके बाद इसे मिला, ये तब नया नया शिफ्ट हुआ था, तो इनको शौक था, इन्होंने सिखाया, इन्होंने अपने एरिया में किया आप, तो उसके बाद मुझे भी शौक पड़ गया, फिर मैंने भाई से सीखा, तब इस तरह मरा। तो मैं खैर दीवानगी फिर आने दो, बिकॉज हम टाइम बिल्कुल जाया नहीं करेंगे, है ना? तो लेट्स हियर दीवानगी ऑन गिटार्स। ओ माय गॉड इट्स लव। अच्छा मुझे आप लोग बताएं कि जो म्यूजिक आजकल हो रहा है पाकिस्तान का म्यूजिक 2021 चल रहा है इस वक्त, बिल्कुल कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? बहुत 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 ही जबरदस्त। अच्छा एक्साइटिंग है ना, हर किस्म की चीज है इस क्वार्टर। इतने प्यारे जॉनरास, इतनी प्यारी डिफरेंट वैरायटीज, और अब तो इंस्टाग्राम आने के बाद, इस तरह की साइट्स के बाद आपको ये भी पता, मुझे कम से कम बड़ी खुशी होती देखे ओरिजिनल स्टफ कितना ज़्यादा, ओरिजिनल बच्चे कितना काम कर रहे हैं, और कितने कितने यंग यंग लड़के और लड़कियां, इतना प्यारा म्यूज़िक, इतना प्यारा म्यूज़िक, और न्यू वेज ऑफ म्यूज़िक प्रोडक्शन में आ रहे हैं। जैसे अब सिर्फ ये पुराने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रह गए, बल्कि अब नई सिंथ आ गई है, अब क्या क्या चीज़ें वो आ गई हुई हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के साथ, EDM के साथ, हमने भी जो, बल्कि मिट्टू दोंदा, ये एक EDM बैंड है, इसका नाम है समवॉट सुपर, और उनके साथ हमने किया ये, और इसी तरह हम अच्छे अच्छे आजकल हम काम कर रहे हैं, अल मशहूर EP बैंड होता था एक, या है ना, उसके जो ड्रमर है सलमान एल्बर्ट, वो तो एक लेवल है उनका, बस वो उनका लेवल है, पहले मैं उससे बहुत डरती थी उनके साथ हम आज, अब लेकिन अब शुक्र है कि वो आइस ब्रेकिंग हो गई है, तो यू नो, बट जो उस्ताद का ही आदमी वो, ही नोज अगर तुमने अच्छे वोकल निकलवा लेने तो सलमान से वोकल, ही इज जस्ट अमेजिंग। मैं कुछ सुने आपसे लाइव हो जाए एक लाइन, क्योंकि हम सबसे सुन रहे हैं, फिर आते हैं आप पे अगली परफॉर्मेंस पे। हम बस स्टार्ट करने से बाद ज्वाइन करेंगे। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दे मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना जीना कभी जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। ओ हो ओ हो ओ हो, सच्ची सी है ये तारीफें हैं,
दिल से जो मैंने करी है, तू जो मेरा तो सजी है, दुनिया मेरे हमदम, ओ आसमां मिला जमी को मेरी, आरे आरे पूरे हैं तेरे नाम पे मेरी जिंदगी, आओ लिख दे मेरे हमदम, ना सीखा मैंने जीना जीना कभी जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम, ओ ओ क्या बात है, fantastic fantastic, I just loved the singing with your eyes closed वाला था, enjoy करके तो वो देख रहा था जो सुर लगा रही थी बड़ी थी आसानी से हमारी तो बुरी हालत हो जाती पसीना आ जाता है। नेक्स्ट क्या सुना रहे हैं हमें बाप? मैं आई थिंक मैं शम्स वाली बात से वो करूंगी कि कितना एक्साइटिंग टाइम है म्यूजिक के लिए, तो मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी, अभी स्टूडेंट्स ही बैठे हुए और कुछ स्टूडेंट्स देख भी रहे होंगे, तो आई थिंक आप भी पढ़ाते हैं आप, तो यू नो, तो मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान में एक स्टूडेंट होना, एक किसी तालीमी इदारे के साथ यू नो आपका एसोसिएशन होना, आई थिंक दैट इज सो एक्साइटिंग राइट नाउ, बिकॉज जो कॉन्वर्सेशंस हो रही है, जो हम लोगों ने कुछ बातचीत शुरू कर दी है, कुछ अनकंफर्टेबल है, कुछ उसमें से लोगों को ऑब्जेक्शनेबल भी लग रही है कि ये बात क्यों की जा रही है, वेदर इट्स अबाउट जेंडर, वेदर इट्स अबाउट रेस और रिलीजन, तो उसी पूरी चीज को लेते हुए जो हमारा नेक्स्ट एक है ना, जो हमने अभी बाय द वे इट हैजंट बीन रिलीज, तो हम ये अगर गा रहे हैं तो एक्सक्लूसिव तो जब इसका फिर जब प्रॉपर रिकॉर्डेड वर्जन आ जाएगा तो आई शेयर इट विद यू। तो इस गाने के हमने बहुत सारे नाम चेंज किए, पहले हमने इसका नाम रखा था मुजरिम मुल्जिम सवारे, फिर हमने इसको नाम दिया सिवाय खुदा के किसी से ना डरना, वो बहुत लंबा हो गया, लेकिन अब हम इसको कह रहे हैं सुनो प्यारे लोगो, सुनो प्यारे लोगो, और जो गाना है ये है सर्कमस्टेंशियल अपब्रिंगिंग पे, जिसका मतलब है हाथ साथी तरबियत। ऐसा कैसे सोच लगते हैं आप शानदार बात, नहीं मैं इसके लिए बातें कैसे सोच लेते हैं आपको देखने को मिलता है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन पे कुछ सोचता नहीं है ना, नहीं नहीं सोचते नहीं, नहीं, नहीं अगर सोचते हैं तो उन पे कुछ वो बोलते नहीं बोलते अमेज वैसे। अब अगर हम बिकॉज ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम की वजह से आपको ये नजर आता है कि कितने कम फॉलोअर्स वाले कितने अमेजिंग कंटेंट बना रहे हैं आजकल, कि मुझे तो अगेन मैं वही कहूंगी कि आई एम सो एक्साइटेड कि आई एम पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशंस बिकॉज एक यूथ के साथ एसोसिएशन है, तो उन्होंने आपको इंक्लूड किया हुआ इस चीज के अंदर, तो सुनो प्यारे लोगों के आए थे वो जब के जिस साल दुनिया में आए थे वो हर एक आदमी बुत परस्त करता, हर एक आदमी बुत परस्त करता, खुद ही बुत बनाता, खुद ही पूजा करता, खुद ही बुत बनाता, खुद ही पूजा करता, उन्होंने सिखाया हमें सजदा करना, उन्होंने सिखाया हमें सजदा करना, सिवाय खुदा के किसी से न डरना, सिवाय खुदा के किसी से न डरना, सर झुका कर सहूंगा कभी कुछ न कहूंगी, खसरत दुनियावी को रब बनाकर हमेशा दुनिया में रहूंगी, जिनके सहारे होंगे नारे पूरे काफिले को जब लूटे, झूठे हमारे डरता है क्या रे तेरी किस्मत में आकर पूरे
हमारे हाय मुजरिम मुलजिम सवारे मुजरिम मुलजिम सवारे बेचारे हाय मुजरिम मुलजिम सवारे Fantastic! अब बाकी आप ये तो सुपर हिट होने वाला है I'm different, very different. You think? Okay, yeah, so yeah. the way we've shot the song is Mariam is, by the way, the video producer. Okay, okay. producer का मतलब होता है जो पैसे लगाते हैं वो मैं हूँ actually. CEO. अच्छा नहीं तो for all aspiring musicians अब ये मैं तुम लोगों को एक hint देने लगी हूँ. एक time था जब शाम चाहता था कि हम लोग बहुत बड़े बड़े concerts करेंगे और by the way, because अब थोड़ी सी personal गुफ्तगु कर सकते हैं बच्चों हाँ, जी, please, please. जब शाम ने एयरपोर्ट से जो एक रिटायरमेंट ली या एक एयरफोर्स के साथ बहुत खूबसूरत एक जर्नी व्हेन इट केम टू एन एंड तो नेचुरली एवरीबॉडी अज्यूम्ड कि शम्स जो हैं वो जाएंगे कमर्शियल फ्लाइंग की तरफ अब शम्स का बिल्कुल कमर्शियल फ्लाइंग का मूड नहीं था तो उन्होंने मुझे एक दिन इस तरह प्यार से पकड़ा मुझे नहीं करनी कमर्शियल फ्लाइंग तो मैंने फिर अब आगे से मैंने कहा देखो छह बच्चे हैं करना क्या है यू नो वी हैव टू हैव अ प्लान एंड दैट्स व्हेन आई थिंक इनके पेरेंट्स जिनको अल्लाह जन्नत बख्शे एंड माय पेरेंट्स उनकी दुआओं के साथ जिनके साथ शम्स रहते हैं कहते हैं तुम छोड़ के चली जाओगी तुम मर जाओगी मैं यही रहूंगा तो उसके बाद फिर हमने बहुत हमारी एक तरह की एज अ कपल इट वॉज क्वाइट अ स्ट्रगल मैं इसलिए तुम लोगों को ये बता रही हूँ बिकॉज जब एक टाइम आएगा कि यू विल हैव टू डिसाइड कि इस म्यूजिक के साथ करना क्या है बहुत सारी ब्रांड्स जो लोगों को नजर आ रही होती है कि अच्छा दे गोइंग टू कम एंड पिच इट अ सॉन्ग टू यू और एकदम से ओवरनाइट आप एक से तो गाने हमारे पास थे एक दिन इसने लिस्ट बनाई कोई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से कोई 20 गाने हमारे ओरिजिनल हमारे पास हैं जो कि सिर्फ प्रोड्यूसर अभी हम रुक गए 20 पे जाके इसको मैंने कहा अच्छा बस तो देन व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि इट वाज गेटिंग टू फ्रस्ट्रेटिंग लुकिंग फॉर पीपल हमने ये सोचा कि हम एज अ हस्बैंड वाइफ बहुत सारे कपल्स हैं जाके डाइविंग करते हैं और ट्रैवल करते हैं और बहुत सारी चीजें एंजॉयमेंट के लिए एक एज अ कपल आप एंजॉय करते हैं तो हमारी डेट होती है गाना बनाना जिसमें हम बहुत लड़ते हैं लेकिन वो हमने यू नो व्हेन यू वांट टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज इन योर माउथ वेयर योर मनी इज और अब हम छोटे थोड़े से पैसे जमा करते हैं और एक गाना प्रोड्यूस कर लेते हैं और छोटी मोटी उसकी वीडियो बना लेते हैं देखो ये इंस्पिरेशंस होती हैं तो बस उसमें फिर ये होता है कि उसमें आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कोई आपको जरूरत नहीं है आप दिल से काम करें आपने जो लिरिक्स लिखने आप लिखे कोई आपको नहीं कहता एक पैकेट लेके खड़े हुए नॉट दैट बाय द वे कोई अगर पैकेट के साथ लेकिन वैसे वो नहीं लेकिन आप मेरी आई थिंक आपको मेरी बात से थोड़ा बिल्कुल कॉन्टेंट कंट्रोल कितना इम्पोर्टेंट सही बात है इस बारे में आप दोनों को विदा करें मैं चाह रहा हूँ कि हम कुछ एक चीज और सुन लें आपसे हमारे एक और सिंगर भी हमारा इंतजार कर रहे हैं आज गेस्ट की जो है ना वो बहुत ही रेल पेल है रेल पेल है अल्लाह क्या बात है फैंटास्टिक बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का कोई पैगाम दोगे अपने दोस्तों को हमारी तरह के और बहुत से लोग होंगे यहाँ पे हाँ उनका शौक होगा कि वो भी यहाँ पे आके बैठे तो उसके लिए यही है कि आपके मन में जो है आप उसको एक्सप्लोर करें निकालें अपना कोई छोटा मोटा म्यूजिक निकालें जो मर्जी करें जबरदस्त करें जरूर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स द लास्ट ब्रेक वापस आएंगे तो हमें एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे छोटी सी ब्रेक
आ गए वापस, गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है और हम एक और ही ट्रांस में जा चुके हैं, लकीर के फकीर के साथ साथ। मैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि परफॉर्मेंसेस की हैं। और बाय द वे यू पीपल आर जस्ट लव, दोनों शानदार, बातें भी बहुत अच्छी करते हैं आप, बहुत ही अपनाइयत वाली बातें हैं आपकी। ठीक है, राज क्या है ये स्लिमनेस का, कुछ खाती नहीं हमारे? नहीं, आई लाइक पीपल जो कुछ खाते हैं, खाते हैं लगता नहीं। हमारे दो बच्चे जो हमने अभी सोचा कि अच्छा चार है, नहीं दो और कर लेते हैं, तो वो है 4 and 3 months, 4 years and 3 months, और एक है 2.5 ईयर। ओके ओके। और हम सारा दिन सीढ़ियां ऊपर नीचे, तो वही बड़ी एक्सरसाइज है वो, जबरदस्त। आप तो मुझे पता है होती है। जनाब हमें अभी हमारे एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो कि जबरदस्त आवाज के मालिक हैं। मैंने हाल ही में इनको डिस्कवर किया और आई थॉट कि बहुत अच्छा गाते हैं ये भी। और जमन अब्बास जो हैं, इनके बहुत सारे गाने आ चुके हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़ है, सीखी हुई आवाज़ लगती है मुझे इनकी भी। और आइए चलते हैं टूवर्ड जमन और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप कह रहे थे कि क्या ये जब गा रहे थे, आप कह रहे थे वाह क्या गा रहे हैं। आप चल के अंदर आ गए, आप सुन के आएंगे क्या चल रहा है। बड़ा अच्छा लगा है ना इनका जो आपस में वो मिलाप है, वो बड़ा मजेदार है। वही तो बात है सारी, यही बात है। सर बताओ अपने बारे में, मेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरी कहानी मेरी जुबानी ये है कि आर्टिस्ट जो होता है वो बचपन से होता है। फिर मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो थी उसकी वजह से एक मेरा नाम साथ था लूने वाला, तो उसकी वजह से फिर मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। वो इस वजह से कि मुझे म्यूज़िक सीखने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बड़े बड़े टीचर्स थे मेरे, मेरे पहले उस्ताद थे, उस्ताद ताहिर इकबाल साहब जो कि ग्वालियर घराने से। और फिर मैंने सीखा फोक, तो हम अक्सर गाते हैं, हमारा जो जैसे आप आगे पूछ रहे थे फोक हमारा बेसिकली जो है वो हम गाते भी हैं, आगे सिखाते भी मेरे डैड और मेरे ताया बुजुर्ग। लेकिन जो हमने क्लासिकल सीखा और लोगों को सुनाने के लिए सीखा उसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक कर रहा हूँ मैं। अभी मेरा रिसेंटली गाना रिलीज़ हुआ पंजाबी ना ला रहे हैं तिलाई रखा, जो कि आजकल दुनिया में चल रहा है कि हर बंदे ने हर बंदे को लारे पे लगाया। जैसे मैं अभी आपको रिसेंटली लारा लगा चुका हूँ कि आते हुए थोड़ा सा लेट हो गया, तो आपको पता होगा। नहीं पता है, हाँ सही। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। जबरदस्त, कितने गाने तक आ चुके हैं आपके अभी? आई थिंक सो मेरे जो कि कंपनी से रिलीज हुए वो तो है 30-35 के राउंड अबाउट। क्या कितने टाइम में, कितने टाइम में आए गाने? टीपी गोल्ड ये 2 साल में, 2 साल में 35 गाने कर लिए। और बाकी जो लाइव शोज है मेरे वो मेरे चैनल्स पे, और मेरे 2 चैनल हैं उनके ऊपर, और बाकी अदर चैनल्स हैं उनके ऊपर भी मेरे लाइव शोज हैं। हाँ। वो बड़े हमारे। आज क्या सुना रहे हैं हमें आप? आज मैं आपको, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा गाना सुनाओ जो आपके दिल के बहुत करीब हो। मैं आपको वो गजल जो आपने आगे है ना, हाँ बोल, वो गजल बड़ी मजेदार है, उसके बोल जो बड़े सुनने वाले हैं। ठीक है, अली अरशद साहब ने वो लिखी है, तो आइए फिर मैदान में हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, आ जाइए। बहुत आला, टाइम पर थोड़ा कम है लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल नहीं भरा अभी तक। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ये वाला गाना गा सकते हैं जो कि हमने कभी कहीं really? नहीं गाया है। Oh my God. मुझे अभी you know, because, you know, you rock? So, मरियम एंड शम्स से अब एक और परफॉर्मेंस। अच्छा ये थोड़ा सा अभी इसके ये इसकी तशरीह ना, यूल डू इट एंड देन यू सेंड अस द असाइनमेंट। ओके ओके, डन डन डन। चुटियां चुरा के सारे गड्डियां उड़ा के सारे बत्तियां बचाओ, बिजली बचाओ। चुटियां चुरा के सारे गड्डियां उड़ा के सारे बत्तियां बचाओ, बिजली बचाओ। तेरे चाण से मेरे आने के पास मैं बन जाऊंगा वाह। कमी नचेंगे आगे पीछे मेरे, दुनिया घूमेगी भूल जाएंगे हाँ। जुतियां चुरा के सारे गड्डियां उड़ा के सारे बत्तियां बुझाओ, बिजली बचाओ। जुतियां चुरा के सारे उड़ा के सारे बत्तियां बुझाओ, बिजली बचाओ। भूखे बच्चे आलू टॉफियां ठुसाओ, बत्तियां बुझाओ बिजली बचाओ। नंगे मेली आलू उंगली कराओ, बत्तियां बुझाओ बिजली बचाओ।
वड्डे वड्डे आनु मिल के जलाओ इद चाती बन मर्द विखाओ What an experience! What an experience! Our time खत्म हो गया हमारे पास. लेकिन you guys were fantastic. मजा आ गया आज के show का. तुम्हें मजा आया? Jam हो गया ना? Covid के बीच में. Any final message for your fans of Lakeer the Lakeer ke Fakir? I don't know. Thank you. Stay tuned. Keep watching. Follow us. Stay true to yourself. और हमें दोबारा भी आना है. Stay true. और कुछ plan करते हैं मजेदार सा show है ना मजेदार. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आप भी आई. पूरा दो घंटे आपने हमारा साथ दिया. कोई पैगाम अपने fans को? बस यही कि stay safe and mask लगाए बगैर बाहर मत जाएं और अपना ख्याल रखें. अपने घर वालों का ख्याल रखें. चलें जबरदस्त. Thank you for coming. कोई पैगाम? यही सेम हो गया. चले बहुत शुक्रिया. हाँ सेकंड बहुत शुक्रिया आप सबके आने का. जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है. कल मिलेंगे, एक ब्रांड न्यू एपिसोड होगा, नए गेस्ट होंगे, नई बातें होंगी. डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स, देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर लिखे आ रहे हैं, एंड अवर व्हाट्सएप नंबर. लकीर के फकीर, क्या बात है आपकी, छा गए आप लोग. एंड माही आप तो आला हैं. एंड थैंक यू अजमान, थैंक यू कमिंग. अब जमन कहता हूँ बार बार. Till tomorrow, take care. Allah Hafiz, Pakistan. मैं कल लौट के आऊंगा. Bye bye.